नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दलिया से बहुत ही टेस्टी खिचड़ी। ये खिचड़ी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपने आज से पहले ऐसा दलिया ना खाया होगा और ना ही देखा होगा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही सेहतमंद भी है। इसे आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में कभी भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को ये बहुत ही पसंद आएगा। चलिए फिर इस नई रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हमने दलिया ले लिया है 250 ग्राम। हमने भुना हुआ दलिया लिया है। अगर आपके पास कच्चा दलिया हो तो आप पहले बिना ऑयल के, बिना घी के उसको भून लें, तभी उसको लें। मैंने भुना हुआ लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। मैंने इसे भिगो के रखा हुआ है। कुछ इस ढंग से हो जाएगा। ये देखिए, भिगोने के बाद ये फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी भी बनता है और खिला खिला भी बनता है। अब हमने क्या करना है, जो इसका पानी है उसको हम छन्नी में छान देंगे। जब भी आप भिगोएं, इसको साफ पानी में भिगोएं। हमने इसको सारे पानी को निकाल लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। अब हम ले लेंगे 2 आलू। ये हमने कच्चे आलू लिए हैं, मीडियम साइज के आलू लिए हैं। पहले इसको हमने छील कर तैयार करना है। हमने छील लिया है आलूओं को। अब इसको हम काट लेंगे। पहले इसके 2 भाग करें, 1 भाग और करें। हमने लंबे साइड से ही आलू इस ढंग से ही काटने हैं। अब ना तो ज़्यादा पतला काटना है, ना ज़्यादा मोटा, इस ढंग से आलू काटना है। इससे क्या होगा, आलू अच्छे से पक जाता है, क्योंकि ये कच्चा आलू है। हमने दोनों आलूओं को काट कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज, उसको पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। मैंने ली थी 1 शिमला मिर्ची, ये थोड़े बड़े साइज की थी, उसको भी हमने बारीक काटा है। मैंने ली है थोड़ी सी मटर, इसको मैंने उबाल लिया है। और ले लेते 3 से 4 हरी मिर्ची, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप हरी मिर्ची कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ध्यान से डालें। 2 टमाटर ले लिए थे, उसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 1 लिया है मैंने नींबू, उसको भी काट कर तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 1 कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें थोड़ा सा, और उसे गरम कर लें। घी गरम हो गया है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून डालेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन। इन सब चीजों को पहले अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने काट रखे हैं। आलूओं को हमने 2 मिनट के लिए तेज गैस पर इसी ढंग से चलाते हुए पकाना है कि आलू अच्छे से पक जाए और करारे हो जाए। ये 2 मिनट हो गए हैं, आलू हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हमने 2 मिनट के लिए पका लेना है ऐसे ही चलाते हुए। प्याज हमारी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसे भी साथ साथ मिक्स करते रहें। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून डाल रही हूं मैं हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। पहले इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। मिक्स कर दें। अब इसमें डाल देंगे हम मटर, जो उबली हुई मटर रखी हुई है वो भी डाल देंगे।
और इसके साथ ही डालेंगे टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढक देंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाए 2 मिनट के लिए। ये 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हाँ, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा चला देंगे पहले। और आलू को भी चेक करेंगे, गल गए हैं। हाँ, आलू भी गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब डाल देंगे शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची पहले डालने से सॉफ्ट हो जाती है और अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हम डाल देंगे जो हमने 1 नींबू रखा हुआ है, वो भी निचोड़ देंगे इसमें। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। अब इसमें डाल देंगे दलिया। पहले अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे आधी कटोरी पानी। अच्छे से मिक्स कर दें। अब गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल कम गैस पे, और बीच में चला देंगे एक बार। ये 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। एक बार हमने इसको बीच में चला भी दिया था, आप देख सकते हैं कितने अच्छी और खिली खिली ये खिचड़ी बनकर तैयार हुई है दलिये की। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।